डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं नीमा की दादी वर्कशीट। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीमा स्कूल से कितने बजे घर लौटती है? तो इसका आंसर होगा 2 बजे। कितने बजे लौटती है? 2 बजे। दूसरा क्वेश्चन है, दादी का वो किसका दर्द रहता था? हाथों में रहता था, सिर पे रहता था, पैरों में या फिर घुटनों में? तो कहाँ दर्द रहता था दादी को? घुटनों में। गौ है, दादी घुटनों पर क्या मल रही थी? तेल, मलम, पानी या दवा? तो अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा वो क्या मिल रही थी, तेल। आगे, नीमा रोज कब खेलने जाती थी? दोपहर में तो वो स्कूल से आती थी, सुबह में वो स्कूल जाती थी, और रात को कौन खेलने जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका, शाम को। सभी बच्चे शाम को ही खेलने जाते हैं। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको खाली स्थान भरना है। ये बॉक्स में आपके आंसर दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक आंसर आपको लेके इनमें भरना है। तो पहला देखो, दादी कहीं नहीं डैश है, तो क्या था आपका, मैदान नहीं होगा, आती जाती। तो आप पढ़ के देख सकते हो, लगाते जाओ तो ये आपका आएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद है, दादी बैठे बैठे डैश काट रही होती है, क्या काट रही होती है, सब्जी। तो ये आपका सेकंड में आएगा। दादी को नीमा का डैश होता है, क्या होता है, इंतजार। दादी जब घर पे होती थी तो नीमा का इंतजार करती थी डेली। दादी और नीमा दोनों खेलने के लिए की ओर चल पड़े, कहाँ चल पड़े, मैदान की ओर। तो ये आपके खालिस्तान हो गए, तो भर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर सही या गलत बताना। नीमा हर रोज दोपहर में 2 बजे स्कूल से आती थी, सही है। नीमा अपने दादा के साथ रहती थी, नहीं, नीमा अपनी दादी के साथ रहती थी। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। नीमा स्कूल की बातें नहीं करती थी, करती थी वो, तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि वो स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती थी। दादी का समय नहीं कटता था, हाँ ये सही है, क्योंकि दादी नीमा का इंतजार करती थी, अकेले अकेले उनका समय नहीं कटता। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इस कहानी के लेखक का नाम है शशि शबलोक। ये आप देखोगे तो आपको बुक के चैप्टर के बिल्कुल एंड में मिल जाएगा। तो ये आपका नाम है शशि शबलोक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दादी घर पर क्या क्या काम करती थी? तो पता ही है, दादी सुबह अकेली होती थी तो कभी सब्जी काट रही होती थी, सब्जी काटती थी, या कभी अपने घुटनों पर, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था तो अपने घुटनों पर तेल मल रही होती थी। नीमा स्कूल से आने के बाद क्या करती थी? तो नीमा स्कूल से आने के बाद खाना खाते खाते अपनी दादी को स्कूल की बातें बताती थी। आप अपने स्कूल की बातें किसे बताते हो? तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, घर पे मम्मी होती है तो अपने स्कूल की बातें मम्मी को बताते हैं। तो कैसे लिखोगे आंसर, मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? दैट मींस आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है ये वाक्य किसने किसको कहा। तो पहला, थोड़ी देर बैठ जाए, तो ये किसने कहा, दादी ने कहा नीमा से। इसके बाद, मेरा समय नहीं कटता, ये भी किसने कहा था, दादी ने कहा था नीमा से। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, तो ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, नीमा ने बोला था दादी से। अगला, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, तो ये किसने बोला था, ये भी नीमा ने बोला था दादी से। अगला, आपको समानार्थ वाले शब्द बताने हैं, तो इंतजार का क्या होता है, प्रतीक्षा। इसके बाद मलना, मलना क्या होता है, रगड़ना, ठीक है, मलने को हम क्या कह सकते हैं, रगड़ना। इसके बाद है खूब, तो खूब क्या होता है, बहुत। अगला प्रश्न है, आपको विलोम शब्द लिखने हैं, तो आती क्या होता है, आना का जाना होता है, तो आती का क्या हो जाएगा, जाती, ठीक है। इसके बाद दिन, दिन का क्या, आपकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए।